स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आएंगे आपके फुल मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 इन अकाउंटेंसी। जी हाँ बच्चों, एक तो पहला तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी कॉपी होगी वहां साफ साफ लिख देना अंडी बंडी संडी, और जिसने चेक नहीं करा उसको कोल्डिंग पीनी पड़ेगी ठंडी। अरे सर कोल्डिंग तो ठंडी पीनी पड़ती है, वो बच्चे भी जानते हैं कि कोल्डिंग से क्या लाएगा, हर मजाक की बात है, ऐसा मत लिखिएगा। देखो आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे लाने हैं, टर्म टू की बात करी जाए बोर्ड की, तो आपका जो पेपर है उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आने वाला है दो, देन बात करी जाए डिसोल्यूशन का जो न्यूमेरिकल होता है उसके चांसेस कम है एज कंपेरिजन टू उसकी जर्नल एंट्रीज रिलेशन वाली जो आती है, रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन प्यारा सा, और आपका कैश फ्लो। इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, अब आप मार्क्स गेन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट नहीं आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से करने ही करने हैं सर, कौन कौन से, एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, दूसरा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें रिलेशन की एंट्री करना, और रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन करना। अब आपको बात करी जाए अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो वहां पर आप लोगों को भी मालूम है कि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होता है। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ बेटा, किसी को बताना मत, राज की बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको ध्यान होगा कि जो बिगिनिंग का बैलेंस है और जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया उसका जो अमाउंट आया, अगर दोनों को जोड़ देते हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंड का आंसर आ जाता है, और हमें मालूम पड़ता है कि सर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को क्या करना है, इन केस अगर आपका आंसर डिफर कर रहा है तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा कि जो आपका आंसर आ रहा है और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है क्लोजिंग ईयर का, वही गैप आपको उस आंसर में कर देना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे रेवेन्यू रिसीप और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, ये बात तो आपको मालूम होगा। गिने चुने 15 ऐसे केसेस होंगे जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, आपको बस क्वेश्चन देखना है और क्या चेक करना है, रेंट सैलरी पोस्टेज न्यूज़पेपर मैगजीन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरल एक्सपेंसेस सब्सक्रिप्शन डोनेशन सिर्फ डोनेशन डोनेशन सिर्फ डोनेशन हॉनोरेरियम, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में आती ही आती हैं, ये आएंगी ही आएंगी और ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी ही आएंगी। तो आपको फटाफट, जैसे मान लो आपके सामने एनपीयू का क्वेश्चन आया, आपको सबसे पहले पेमेंट साइड उठानी, क्योंकि सबसे ट्रिपिकल वही होती है, आप पेमेंट साइड उठाओगे और देखते जाओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आर और आर फॉर रेंट, रेंट सैलरी न्यूज़पेपर मैगजीन ई से एंट्रेंस फीस, लेकिन एंट्रेंस फीस आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, एंट्रेंस फीस उस केस में जाएगा जब कुछ स्पेशल लाइन बोली हो, ऐसा है नहीं सर, एंट्रेंस फीस हमारी एक रेवेन्यू रिसीप्ट है। भाई हम बार बार कहीं पर जाएंगे, जब आपके स्कूल में भी देखा होगा कि हर साल एडमिशन फीस लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है सर, क्या बताऊँ रोना आ जाता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बात करी जाए रिलेशन में, रिलेशन में आपको ध्यान देना कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ये कुछ ट्रिक्स अपनानी है आपको अपने टाइम को बचाने के लिए। आपको शुरुआत में 15 मिनट मिलती है, मैं ये बात जानता हूं, और 15 मिनट में आप क्या करते हो, पेपर पढ़ते हो, हाँ जाहिर सी बात है, क्या मुझे बताओ जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठोगे क्या आप पेपर तब नहीं पढ़ोगे, सर पढ़ेंगे, क्या आप क्वेश्चन को तब रीड नहीं करोगे, सर करेंगे। तो जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है, उस 15 एक्स्ट्रा मिनट्स में आपको एनपीओ और कैश फ्लो के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वही दिक्कत देगा, वही आपका काट देगा जिस तरीके से बाबू सोना काट देती हैं। इसीलिए उस 15 मिनट में आपको 5 से 7 मिनट में एनपीओ का क्वेश्चन पढ़ लेना है और रिमेनिंग 5 से 7 मिनट में कैश फ्लो का क्वेश्चन पढ़ लेना है, और जैसे ही 15 मिनट ओवर हो, पेपर आपका चालू हो, आपको शुरू हो जाना है चुपचाप से एनपीओ धड़ल्ले से कर देना है और कैश फ्लो भी धड़ल्ले से कर देना है। ये मेरे हिसाब से कुछ आपके लिए बेस्ट ट्रिक्स रह सकती हैं। अभी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे आप जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो 4 to 5 days में कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जो करेगा, शेयर जो करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।